आज हम अगली वीडियो में देखेंगे, पार्ट दो है ये, पिछला था रैंडम वेरिएबल का पार्ट वन। उसके अंदर ना हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं जिनको बड़े एक्स से डिनोट किया जाता है और उसके जो डोमेन होते हैं वो सैम्पल स्पेस में ही पाए जाते हैं। यानी एक सैम्पल स्पेस होगा, उसी के अंदर से ना हम ना कुछ चुनेंगे। जैसे हमने दो सिक्का उछाला, तो दो सिक्के उछालने पर मैं कहूँगा नंबर ऑफ हेड आने को चुनो। तो नंबर ऑफ हेड आना होगा कि या तो पहली और दूसरी बार निकालने पे दोनों बार हेड आ जाए, तो रैंडम वेरिएबल दो हो गया। फिर हो सकता है कि हेड एक ही बार आए, एक साथ में टेल आ गया, तो हम तो नंबर ऑफ हेड को गिन रहे हैं तो वो एक आ गया। हो सकता है कि दोनों बार टेल आ जाए तो नंबर ऑफ हेड क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये जो जीरो एक दो हैं ये एक सैम्पल स्पेस में ही चुने जाते हैं, तो एक सैम्पल स्पेस के ही ये डोमेन है, बस ये एक रियल नंबर में लिखे गए हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। सही है, तो रैंडम वेरिएबल तो यही थे। आज हम सिखाएंगे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एक रैंडम वेरिएबल में, यानी पहले एक रैंडम वेरिएबल होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, वो पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझाने के लिए पहले आपको रैंडम वेरिएबल आना चाहिए। तो जिनको रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया है तो उनको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम नहीं लगेगा। तो अब मैं एक एग्जांपल से तुम्हें रैंडम वेरिएबल के बारे में मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता हूँ। तो मैं अलर्ट कर लेता हूँ कि लेट ए कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स। मान लेते हैं कि हमने ना एक सिक्के को तीन बार उछाला, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल है पहले टेल हेड हेड, फिर दो टेल एक हेड, फिर वो हेड बीच में, फिर वो हेड शुरू में, फिर तीनों टेल टेल टेल, कुल मिलाकर आठ बनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक्सपेरिमेंट बनेंगे। अगर ये बनाना नहीं आता तो एक और तरीका होता था ना, ऐसे चार बार हेड लिख दो और फिर चार बार टेल लिख दो, फिर दो बार हेड दो बार टेल, फिर दो बार हेड दो बार टेल, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड, तो मिलाओगे तो ये भी आठ पूरे सेम इसी से मैच होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम बड़ी क्लास में कर ही लेते हैं। अब सुनो, ये मान लो हमने सिक्के को तीन बार उछाला तो मेरे ये सैंपल स्पेस बना। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि जो एक्स है, एक्स जो है वो एक डिनोट्स, ये डिनोट्स करता है रैंडम वेरिएबल को, है एक्स डिनोट करता है रैंडम वेरिएबल को टू नंबर ऑफ हेड कम्स, यानी नंबर ऑफ हेड आना। तो हमने देखो तीन बार उछाला सिक्का, तो हो सकता है कि तीनों बार हेड आया हो ना, तो रैंडम वेरिएबल तीन बनेगा। और हो सकता है कि तीनों बार तो हेड आए ना, एक बार टेल आ गया हो, तो हेड कितना आया, दो बार, फिर एक बार, और ये हो सकता है कि तीनों बार टेल ही आ गया हो तो हेड आया नहीं, तो जीरो हो गया। सही है, तो ये हमारे रैंडम वेरिएबल हो गए। तो लेकिन इसको हम ना थोड़ा अलग अलग लिखेंगे। एक्स का मतलब हो गया कि हेड आना, तो हेड आना मैंने मान लिया तीनों बार हेड आ गया, तो रैंडम वेरिएबल ये हो गया एक्स 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 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया नहीं तो समय, फिर ऐसे ही इसकी ना प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी हो गया कि मतलब तीनों हेड आना, तो तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक बटा दो, दूसरे हेड आने की एक बटा दो, एक सिक्का उछालने पे एक हेड आने की ना प्रोबेबिलिटी एक बटा दो होता है। तो पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक बटा दो, फिर दोबारा उछाला तो गुना हो जाता है एक बटा दो, फिर दोबारा उछाला तो गुना हो जाता है, तो एक बटे आठ आया। या तो आप ऐसे ही करते हो कि आठ बार दिख रहे हैं तो सीधा एक बटे आठ लिख देते हो, लेकिन इसके पीछे ये भी रीज़न होता है कि ऐसे गुना करके भी पता कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा हो गया, मान लो दूसरा एक्स डिनोट कर रहा है कि दो हेड आना। अब देखो दो हेड आना तीन बार हो सकता है ना, दो हेड एक टेल, फिर दो हेड एक टेल, और फिर एक टेल के साथ दो हेड, है ना, ये दो हेड ही तो हैं तीनों, तो अब इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तीन बटा आठ जाएगी। और ऐसे ही अब एक तीसरा हो सकता है कि अब एक ही हेड आए, है ना, तो एक हेड आए तो कौन कौन सा हुआ, ये वाला और ये वाला, तो लिख दो एक हेड आए दो टेल, फिर वो हेड बीच में आ जाएगा और वो टेल वो हेड आखिरी में आ जाएगा, तो ये भी इसकी भी प्रोबेबिलिटी एक बटा आठ, एक बटा आठ, एक बटा आठ, और तीन है तो तीन बटा।
अब हो गया कि एक भी बार हेड ना आए, है ना, तो टेल 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 आ जाए, तो टेल 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 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, एक बटा आठ, यहाँ एक एक ही दिख रहा है ना, तो एक बटा आठ, समझ में आ गया। तो अब मैं आपको सिखाता कि रेंडम वेरिएबल तो ये हो गया आपका, ये रेंडम वेरिएबल है, इसको ऐसे ब्रैकेट में शो कर सकते हो कोमा लगा के। और अब आज आपको सिखाना था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये रहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट थे इनको अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के अलग अलग शो कर देना है। तो उसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, एग्जाम में ऐसे बॉक्स बनाते हैं और देखो यहाँ पे कितने कितने आए, कितने रिजल्ट आ रहे हैं, चार रिजल्ट आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर पहले वाले में तो ये लिख दो x और दूसरे में लिख दो p प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी। तो रिजल्ट क्या क्या आ रहे थे, यानी एक भी बार नहीं आ रहा था हेड, या एक आ रहा था, या दो आ रहा था, या तीन आ रहा था, ये सीक्वेंस में लिख दो। अब जीरो मतलब एक भी बार नहीं आ रहा था, तो यही तो है एक भी बार नहीं आ रहा था, तो एक भी बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, एक बटे आठ। अब ये लिखा है एक हेड आने की, तो एक हेड आने की तीन बटे आठ, फिर दो हेड आने की तीन बटे आठ, और फिर तीनों हेड आने की तो एक बटे आठ, सही है। तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें साथ साथ एक अच्छी चीज़ और सीखने को मिल जाती है कि अगर हमें पता करना है कि हमने ना ये क्वेश्चन एकदम सही किया है कि नहीं किया है, तो इसके लिए ना एक जांच किया जाता है। जांच ये है कि इन सबका जोड़ एक होना चाहिए, तो जोड़ के देखो एक बटे आठ, सभी की प्रोबेबिलिटी जोड़ के देखो, अगर जोड़ने पे तुम्हारा एक आ गया तो तुमने ना ये जो वेरिएबल का रेंडम वेरिएबल क्वेश्चन किया है वो सही है। तो एलसीएम लोगे तो सबका एलसीएम क्या आएगा, आठ ही आएगा, और ये सब ऐड हो जाएगा, एक जमा तीन जमा तीन जमा एक, तो सब हो जाएगा आठ बटे आठ, तो ये कट करके आ जाएगा एक आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं और वहाँ से और अच्छे से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक एक्सपेरिमेंट दे देगा, उस पर एक्सपेरिमेंट में आपको एक सैम्पल इस पर ढूंढना होगा और उसमें से फिर आपको एक्स ढूंढना होगा। एक्स होगा एक रैंडम वेरिएबल, यानी एक रियल वैल्यू नंबर होगा। जैसे कोई संख्या पूछेगा, जैसे नंबर ऑफ हेड पूछेगा, तो वो जो नंबर ऑफ हेड होंगे वो रियल नंबर में होंगे, जैसे जीरो एक दो तीन। तो हेड एक भी बार ना आना, एक बार आना, दो बार आना, तीन बार आना, फिर इसी में से छाटोगे कि हेड एक भी बार नहीं आए तो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हेड एक भी बार नहीं आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखा यहाँ पे एक बटे आठ है। फिर एक ही बार हेड आए तो तीन बटे आठ, दो दो बार हेड आए तो तीन बटे आठ, और तीनों बार हेड आए तो एक बटे आठ। और सबकी प्रोबेबिलिटी को ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उनकी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को भी अलग अलग लिख देने को और इस बॉक्स में लिख देने को, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, हमने ना दो कार्ड निकाले हैं सक्सेसफुली, माने सफलतापूर्वक हमने दो कार्ड निकाले हैं विद रिप्लेसमेंट, यानी हमने ना रिप्लेसमेंट का मतलब उसको निकाल के वापस रख दिया है, फिर एक कार्ड निकाले हैं, ऐसे चल रहा है। फ्रॉम ए वेल शफ्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी एक 52 ताश की गड्डी जिसको अच्छी तरह से फेंटा गया था, उसमें से हमने ना बारी बारी से दो कार्ड निकाले हैं। जैसे पहला कार्ड निकाला तो उसको वापस रख दिया, फिर फेंट के फिर निकाला, ऐसे है। बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है ऑफ द नंबर ऑफ एस आना, एस माने होता है इक्का आना, तो कार्ड के बारे में पता होना चाहिए इक्का चार होते हैं, है ना। तो अब क्या 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 हो सकता है, अगर हम दो ही बार निकालें तो हो सकता है कि दोनों बार इक्का आ जाए, या एक बार इक्का है, या एक भी बार इक्का। तो हमारे पास लिख देंगे उत्तर, द नंबर ऑफ एस इज इन ए रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल में क्या दिया था कि हमें एस निकालना है, तो यानी रैंडम वेरिएबल को बड़े एक्स से लिख देंगे। तो लिख देंगे कि लेट इट बी डोनेटेड बाई कैपिटल एक्स एंड क्लियरली एक्स कैन टेक द वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। जीरो मतलब एक भी बार एस नहीं आया, और एक बार एस आया, और एक बार दो बार, दो बार निकाल लें तो दो ही बार आएगा ज़्यादातर एस, है ना। तो एक बार लिख दिया हमने जीरो, यानी एक भी बार एस नहीं आया, फिर एक लिख दिया एक कि एक बार एस आया, और फिर एक क्या लिख दिया कि दो बार एस आया। देखो अब सोचो दिमाग से, एक भी बार एस नहीं आया तो लिख दिया नॉन एस नॉन एस, यानी पहली बार जब निकाला तब भी इक्का नहीं आया, और दूसरी बार निकाला तब भी इक्का। तो पूरे 52 में से कितने इक्का होते हैं, चार, तो कितना इक्का नहीं होते हैं, 48। तो पहले इक्का निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 48/52, और उसको वापस रख दिया, फिर फेंटा, फिर निकाला, फिर इक्का नहीं आया, तो वो भी 48/, बाकी काट लेना तो 144/, इतना आ जाएगा 169। फिर बोल रहा है कि एक बार आ जाए, क्या आ जाए, एक बार आ जाए। अब हो सकता है कि पहली बार आ गया तो दूसरी बार नहीं आया,
या हो सकता है कि पहली बार नहीं आया तो दूसरी बार आ गया, तो यानी एक बार यू बनेगा। मान लो पहली बार निकाला तो इक्का आ गया तो 4/52, और दूसरी बार निकाला तो नहीं आया तो 48/52। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार नहीं आया तो 48/52, और दूसरी बार आ गया तो 4/52। और यहाँ ऐड कर देंगे, पता है यहाँ पे दो बार संभावना हो गई ना, इक्का या तो पहली बार में निकल गया तो दूसरी बार नहीं निकला तो ये हो गया, और फिर एक ये भी तो हुआ ना साथ में, रैंडम वेरिएबल में यही खास बात है कि कुछ चीज़ें ना साथ में आएंगी, जैसे यहाँ आ रही हैं, फिर एक बार पहली बार नहीं आया तो दूसरी बार आया, तो अब इनको सोल्व करने पे आ गया 24/169, सही है। अब तीसरी बार हमने दोनों बार निकाला तो दोनों बार ही ऐसा आ गया, तो 4/52 काटने पे ही आ गया। अब हमें बोला था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाओ, तो हमें पेपर में बॉक्स बनाएंगे, लिख देंगे द रिक्वायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज x01 ये, और प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, अभी आया था ना 144/ ये आया था, इसको यहाँ लिख देंगे, फिर ये आया था 24/ यहाँ और यहाँ। अब एक खास बात और बताया था ना, इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ एक आना चाहिए, तो चेक करो 144 और 24 और एक, तो 24 और एक 25 होता है, 144 में 25 जोड़ो तो ये भी 169, ये भी 169, तो कटने पे क्या जाएगा एक आ जाएगा, तो यानी सवाल हमने सही किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको मीन वेरियंस स्टैंडर्ड मीन निकालना सिखाऊंगा, वेरियंस निकालना सिखाऊंगा, और स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालना सिखाऊंगा, डेरिवेटिव होता है सर, स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है वो सिखाएंगे।